अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 30 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राइगोनो एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब है एंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेयरमेंट। लिटरली इसका मतलब ये हुआ कि मेयरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, या कहे स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही वसी एप्लीकेशन है, फिजिक्स में भी यूज़ होती है, नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी में, सर्वेइंग वगैरह वगैरह में। अब इसमें बात हुई है ट्रायंगल की। ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसी शेप जिसमें तीन साइड्स और तीन एंगल्स हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ड्रा किया हुआ है ट्रायंगल जिसमें ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का नाम दिया हुआ है इनको, ये स्मॉल ए बी सी शो करते हैं साइड्स को, और अंदर जो यहाँ पर लेटर्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ये शो करते हैं एंगल्स को। याद रहे ट्रायंगल में टोटल छः एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर बात हुई एंगल की। एंगल किसे कहते हैं? एंगल की डेफिनेशन है कि यूनियन ऑफ टू रेज विच हैव अ कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, और दीज रेज आर कॉल्ड एंगल। और ये जो रेज एक कॉमन पॉइंट में मिलते हैं इन कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, और यहाँ पर एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल। इसमें से जो साइड हम शुरू करते हैं उस साइड को इनिशियल साइड कहते हैं, और जिस तरफ हम इसको ख़त्म करते हैं उसे कहते हैं टर्मिनल साइड। एक दूसरा मैंने एंगल बनाया है, यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये इनिशियल लाइन है, इसे कहते हैं इनिशियल साइड, और इस तरफ इसे एंड करते हैं तो ये बनेगा टर्मिनल साइड। और याद रहे यहाँ पर नोट लिखा है मैंने कि रेज को आल्सो क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। द रेज आर आल्सो कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड या इज नोन एज एज वर्टेक्स ऑफ एंगल। एंगल्स को नापने के लिए हम क्या करते हैं? डिग्री भी यूज करते हैं, मिनट्स और सेकेंड्स, एज वेल एज रेडियन। और जिस सिस्टम में जिस डिग्री को नापने के लिए हम डिग्री, जिस एंगल को नापने के लिए हम डिग्री, मिनट्स या सेकंड्स यूज़ करें उस सिस्टम को सेक्सिमल सिस्टम कहते हैं। तो जिसके लिए मैं लिखूँगा मेयर इन डिग्री एंड मिनट्स और सेकंड्स इज नोन एज, या कहें दैट सिस्टम इज कॉल्ड सेक्सिमल सिस्टम। जब भी किसी एंगल को डिग्री, मिनट या सेकंड में मेयर करें उस मेयरमेंट को क्या कहते हैं? सेक्सिमल मेयरमेंट कहते हैं। और जिसको हम रेडियन में मेयर करें, मेयर इन रेडियन दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? दैट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, बात हुई है डिग्री, मिनट और सेकंड की, और जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर भी यही होगा, कन्वर्जन करेंगे डिग्री को मिनट्स और सेकंड में, और सेकंड और मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो रिमेंबर दैट एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। डिग्री को डिनोट किया जाता है इस निशानी से, इस सर्किल से, और मिनट्स के लिए स्मॉल डैश होगा और सेकंड्स के लिए डबल डैश होगा। तो इसका फॉर्मूला है कि डिग्री प्लस में मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 प्लस में सेकंड्स डिवाइडेड बाय 3600। और ये प्रोसेस करने के बाद जो हमें हासिल होगा दैट इज़ कॉल्ड डिग्री।
यानी जो मिनट्स होंगे उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और सेकंड्स को 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, डिग्री बन जाएगा, और डिग्री को डिग्री से प्लस करेंगे तो फाइनल डिग्री हो जाएगी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 30.1। एक्सरसाइज 30.1 का पहला सवाल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1, 32 डिग्री कामा 15 मिनट्स। फार्मूला क्या है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि डिग्री प्लस में मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 प्लस सेकंड डिवाइडेड बाय 3600 होल डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, 32 प्लस में मिनट्स हमारे पास कितने हैं, 15, इसे डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, और होल डिग्री 15 की टेबल में 15 आता है 1 टाइम और 60 आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर 32 प्लस में 1/4 होल डिग्री। अब इस 1/4 को किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 की टेबल नहीं लगता इस पे, तो 0 और पॉइंट लगाने के बाद 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, 0 बढ़ने के बाद 10 हो जाएगा, 10 पे 4 की टेबल 2 टाइम 8 होगा, 10 में से 8 माइनस करें बाकी 2, पॉइंट गिवन है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम 4 इज 20, बाकी बचेगा 0। 1 को जब 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर हमें मिला 0.25 होल डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये बनेगा 32.25। अब इसके लास्ट जो डिजिट होगा उसके ऊपर हम डिग्री लगा देंगे। इसी तरह इसी पार्ट का दूसरा सवाल है, 10 डिग्री और 30 मिनट्स। क्या करेंगे, डिग्री प्लस में मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 प्लस में सेकंड डिवाइडेड बाय 3600, ये है इसका फॉर्मूला। तो डिग्री यहाँ पर 10 है, 10 सेम रहेगा, प्लस की साइन, मिनट्स यहाँ पर कितने हैं, 30, 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, होल डिग्री। 0 से कैंसिल होगा, 3 के टेबल में 1 टाइम, 3 के टेबल में 2 टाइम, ये बनेगा 10 प्लस में 1/2 होल डिग्री। याद रहे कि 1/2 मीन्स 0.5, तो 1/2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, और इसी होल डिग्री। 10 को प्लस करें 0.5 से, ये बनेगा 10.5 डिग्री। ये है इसका कन्वर्जन इनटू डिग्री और डेसिमल फॉर्म। इसी पार्ट का तीसरा सवाल है, 8 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स। क्या करेंगे, डिग्री प्लस में मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 प्लस में सेकंड्स डिवाइडेड बाय 3600 होल डिग्री। आप इसको सिंपलीफाई करें तो 15 के टेबल में 1 टाइम, 15 के टेबल में 4 टाइम, 1/4 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 के टेबल में 1 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम, 2 टाइम, 0 टाइम, यानी 1/120 होल डिग्री। 8 सेम रहेगा, 1 को 4 से डिवाइड करें तो 0.25 होगा, और 1 को 120 से डिवाइड करें, देखेंगे यहाँ पर 1, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं इसको, या इसको आप रफ पे डिवाइड करना चाहें तो इस तरह डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा देंगे, टेबल ना लगने की सूरत में 0, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 0, फिर 0 बढ़ा देंगे, 1000 पे हम 120 की टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम, तो 8 टाइम पढ़ने से क्या होगा, 960 हो जाएगा, माइनस करेंगे बाकी बचेगा 40 पे पॉइंट दिया हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं 400 होंगे, 400 पे 120 की टेबल 3 टाइम पढ़ें तो 360 होगा, माइनस करें 40, ये चलता रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.0083 होल डिग्री। अब इन वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये बनेगा 8.2583 डिग्री, ये है इसका आंसर। और इसी पार्ट का चौथा सवाल, 45 डिग्री 21 मिनट्स 36 सेकंड्स। क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि डिग्री 45 प्लस में मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 प्लस में सेकंड्स डिवाइडेड बाय 3600 होल डिग्री। सिंपलीफाई करें, 3 के टेबल में आता है 7 टाइम, 3 के टेबल में 20 टाइम, तो इसका जो बनेगा 45 प्लस में 7/20, और 36 के लेवल में 1 टाइम, और ये 1 टाइम 0 के बदले 0, 1/100 होल डिग्री।
अब क्या करेंगे, 7 को 20 से डिवाइड करेंगे और 1 को 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर पॉइंट में मिलेगा उनको इनके साथ ऐड करेंगे। 7 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, 0 और पॉइंट 0 बढ़ा दें, 2 टाइम 20 इज 60। बाकी बचेगा 10, पॉइंट दिया हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम 20 इज 100, माइनस करें बाकी क्या बचेगा 0। 45 प्लस में 0.25, प्लस की साइन 1 को 100 से डिवाइड करें 0.01 होगा। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करें तो 45.26 डिग्री होगा, ये है इसका आंसर। सॉरी, यहाँ पर जो है 60 पर 3 टाइम, इसको 3 कर देना, और यहाँ पर भी 3 और 3 ऐड करेंगे 36 होगा, करेक्शन कर देना।